नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आगरमालवा जिले के दौरे पर रहे। विजयवर्गीय के आगरमालवा पहुंचने पर उज्जैन रोड पर स्थानीय विधायक मधु गहलोत और भाजपा कार्यकर्ताओं सहित नगरपालिका अध्यक्ष नीलेश जैन पटेल व अधिकारी कर्मचारियों ने आत्मीय स्वागत किया। इसके बाद विजयवर्गीय स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए और अस्पताल का उद्घाटन किया। विजयवर्गीय विश्राम गृह पर पहुंचे, जहाँ कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, एसपी विनोद कुमार सिंह, एडिशनल कलेक्टर आरपी वर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी पवन कुमार और अन्य अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। उसके बाद जिले के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे और माता के दरबार में हाजिरी देकर पूजा अर्चना कर दर्शन लाभ लिए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं पारिवारिक मित्र के यहां स्थानीय कार्यक्रम आया था, नवरात्रि चल रही है इसलिए नलखेड़ा भी दर्शन के लिए आया हूं। नलखेड़ा को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की बात को लेकर कहा कि हम नलखेड़ा का विकास करेंगे। विश्वास सिटी योजना केंद्र की योजना है, यहाँ से कुछ नहीं होगा तो हमारे स्तर पर करेंगे। अस्पताल के शुभारंभ में पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नीलेश मंगल धीरज सांखला सहित स्थानीय नेताओं ने स्वागत किया, जहां सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक मधु गहलोत, भाजपा जिला अध्यक्ष चिंतामन राठौर, पूर्व हज कमेटी चेयरमैन व भाजपा के वरिष्ठ नेता हाजी तनवीर अहमद, डीजियाना ग्रुप के संपादक, वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक श्रीवास्तव सहित वरिष्ठ भाजपा नेता मंचासीन रहे। अध्यक्ष हमारे सांखला जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय पटेल साहब, नागेंद्र सिंह जी, हाड़ा जी तो भूल ही गया, मैं यहाँ से जा नहीं पाऊंगा अगर इनका नाम नहीं लिया है तो। हाड़ा जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत अच्छे नेता हैं। श्याम मेवाड़ा जो यहाँ के पार्टनर हैं, उनके ससुर है, क्यों श्याम के ससुर है, श्याम जी उनके सोनू गहलोत जी। देखिए इतने सारे लोग मंच पर अच्छे अच्छे, जरा सबके लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजा दीजिए। मैं सांखला परिवार और मंगल परिवार को बधाई देता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने एक हॉस्पिटल की आवश्यकता थी, पर अब नाम आपने ही रखा है, बाबा वैजनाथ भोले भंडारी है, वो ना करते ही है, जो आए उसकी सेवा, भस्मासुर आ गया उसके भी सेवा, बाबा भोलेनाथ है उनके नाम से आपने रखा है, तो आपका भी काम अब यही है कि जो भी यहाँ पर आए उसकी सेवा करना, और सेवा करने से बड़ा व्यवसाय कोई नहीं। मैं आपको बता दूँ, आपने भले ही इसको सोचा होगा कि हॉस्पिटल से हम चार पैसे कमाएंगे, चार पैसे मिलेंगे, पर जो व्यक्ति यहाँ पर आए वो दुआ दे के जाएगा तो चार नहीं 40 पैसे मिलेंगे, ये मेरा कहना है। मरीज आता है और यदि भगवान के बाद किसी पे विश्वास होता है तो उसको डॉक्टर पर, और डॉक्टर यदि उसकी चीरफाड़ करने लगता है तो फिर बद्दुआ भी देके जाता है। तो आजकल दवा, दुआ और बद्दुआ, इसका बड़ा असर है, और मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल के माध्यम से आप दवा भी दें और दुआ लें लोगों से। दुआ आदमी की पता नहीं कहाँ जाकर चिपकती है और आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, पता नहीं लगता। मुझे विश्वास है कि आपका सेवा भाव, दोनों परिवार को मैं जानता हूँ, मंगल परिवार को भी और सांखला परिवार को भी, दोनों ही अच्छे समाज से भी परिवार हैं, प्रतिष्ठित परिवार हैं। ये हॉस्पिटल बनने के बाद समाज की, परिवार की प्रतिष्ठा और बढ़े, ऐसा हॉस्पिटल चलाना है। गोपाल जी हमारे बहुत अच्छा कुर्ता पहन के आए हैं, परमा जी मंद मंद मुस्कान है, रेखा जी भी थी ना यहाँ, रेखा जी पीछे बैठी है, दुबली हो गई थोड़ी सी। तो मैं ये कह रहा था कि हॉस्पिटल एक सेवा का माध्यम रहे। आजकल बोलने में ये आता है कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री, मेरे को इस शब्द से बहुत आपत्ति, हॉस्पिटल इंडस्ट्री नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ये एक सेवा का स्थान है। और मुझे उम्मीद है, आज मैं सुबह वैसे ही चैनल चालू था, उसमें वो भाग्य वाले बताते ना, आज तक में कोई आता है वो, तो मैं तो नहा धो के तैयार हो रहा था, तो उसने बताया उसने कि आज कोई दो ग्रह शनि में गुरु मिला है, और इसलिए आज से डॉक्टर और हॉस्पिटल का व्यवसाय बहुत बढ़ेगा, पता नहीं क्या सहयोग है आज ये। इन्होंने मुझसे समय मांगा, मैंने समय दे दिया, पर उसमें मैंने कि देखा कि उसमें मैंने एकदम देखा, मैंने क्या बोल रहा है भाई, तो बोलते बोलते निकल गई खबर, और एकदम मैंने सुना कि भाई
शनि और राहु राहु के घर में, शनि के घर में गुरु जा रहा है या गुरु के घर में शनि जा रहा है। तो अभी डॉक्टर और हॉस्पिटल व्यवसाय बहुत चलेगा आज से, ऐसा उसने दोनों बकरी हो रही है। जरा आधे बंडी थे, मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोला उन्होंने, दोनों बकरी हो रहे हैं। इसमें डॉक्टर और हॉस्पिटल दोनों का बड़ा फायदा है। देखिए तो संयोग है, कोई हमने मुहूर्त लिखा नहीं। इनने बोला आप कब आओगे, तो मैंने कहा नवरात्रि में दूंगा, इस बहाने माता जी के दर्शन कर दूंगा। पहले तो मैं टाल ही रहा था, काफ़ी दिन तक टाला, पर लाला जी हमारे हैं और राजू भी हमारे उज्जैन वाले, नहीं आए वो, कहाँ है राजू सेठ, राजू सेठ है। अभी दोनों आ गए तो मैं ना नहीं कर सकता था इनको, तो इसके कारण मैं यहाँ पर आया। पर मेरा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी जन दर्शन का भी मुझे लाभ मिला। मैं क्षमा चाहता हूँ, आने में बहुत विलम्ब हुआ। इंदौर से उज्जैन तो मैं 45 मिनट में आ गया, पर मधु भैया और महेंद्र भैया की आशीर्वाद से उज्जैन से यहाँ तक आने में मेरे को 2.5 घंटे लगे। कम से कम 30-40 जगह गाड़ी में तो उतरना पड़ा, फिर माला पहनी, फिर फोटो खिंचवाए, फिर सेल्फी ली, ऐसा करते करते 2.5-3 घंटे लग गए मुझे यहाँ आने में। इसलिए मैं विलम्ब से आया हूँ, पर मैं साखला परिवार और मंगल परिवार को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि सेवा भाव से हॉस्पिटल चलाएं। ये समझ लीजिए कि भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी कि आपने हॉस्पिटल खोला, और ये सेवा का बहुत बड़ा माध्यम है, और ये दुआ प्राप्त करने का भी बहुत बड़ा माध्यम है, और यदि यहाँ पर हमने सेवा भाव हटा दिया तो बद्दुआ प्राप्त करने का भी बहुत बड़ा माध्यम है। इसलिए हम सेवा को सामने रख के यदि यहाँ पर हॉस्पिटल में काम करेंगे, बाबा वैजनाथ की खूब कृपा बरसेगी आपके ऊपर। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ पर जैसे यहाँ माननीय विधायक जी ने कहा है कि एक अच्छे हॉस्पिटल की आवश्यकता भी थी, और आजकल सरकारी में कोई जाता नहीं, मतलब भाई हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है इंदौर में, तो भी सरकारी हॉस्पिटल खाली पड़े रहते, जाता नहीं, लोग प्राइवेट में ही जाते। तो आप जो कह रहे थे कि सरकारी ठीक करवा दो, करवाएंगे, बड़ा प्लान आ रहा है पूरे प्रदेश के हॉस्पिटल को ठीक करने का, पर लोग पता नहीं क्यों एकदम विश्वास खत्म हो गया। जबकि इंदौर में डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, पर लोगों को लगता नहीं प्राइवेट में अच्छा इलाज होता है। तो ये साख आपकी बड़ी है कि प्राइवेट में अच्छा इलाज होता है, तो इस साख का लाभ उठाकर लोगों की सेवा करें। मुझे उम्मीद है कि अगली बार इस हॉस्पिटल के एक्सपांशन के लिए आप हम सबको एक बार फिर से बुलाएंगे। यदि अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस हॉस्पिटल का एक्सपांशन करना पड़ेगा, और मैं और हम सब लोग बिना बुलाए आ जाएंगे आपको बधाई देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, आगरमालवा।